ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इज एंड, और, नॉट, एक्सऑर एंड टेस्ट। फर्स्ट वी विल सी अबाउट एंड इंस्ट्रक्शन इन डिटेल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड। ये क्या करता है? लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस पर? डेस्टिनेशन और सोर्स ओपोनेंट पर, जो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यह है इसकी लॉजिक डायग्राम, यह है एंड गेट। ओके, यहाँ से टू इनपुट दिया, तो ये एफ फॉर एग्जांपल अगर आउटपुट है तो ये ए डॉट बी मीन्स ए एंड बी कर देगा। यह है इसका ट्रूथ टेबल। इसको लर्न करने का सिंपल एक ट्रिक है, अगर वन और वन है, दोनों भी अगर दो वन और वन है तो आउटपुट वन होगा, बाकी सब में आउटपुट हर कॉम्बिनेशन में आउटपुट ज़ीरो 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 हो गए। और इसका सिंटैक्स है एंड, यहाँ पे डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, दो ऑपरेंड्स। ओके, तो अब जो ये दोनों ही ऑपरेंड्स पे यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा डेस्टिनेशन ऑपरेंड में स्टोर कर देगा। नाउ दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन। अब हमने यहाँ पे अब ये सिंटैक्स है एंड इंस्ट्रक्शन का। डेस्टिनेशन ऑपरेंड में हमने क्या प्रोवाइड किया? एक जनरल पर्पस रजिस्टर। और सोर्स ऑपरेंड में हमने दिए है एक इमीडिएट डेटा। ओके, अब कंसिडर ए एक्स का कंटेंट है 3F0F3F0FH। तो अब क्या होगा कि हमको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये जो इमीडिएट डेटा है इसको भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंक्लूड करके हम ए एक्स में स्टोर कर देंगे। तो 3F0F का बाइनरी फॉर्म क्या होगा? फॉर 3 वी विल राइट 0011, फॉर एफ वी विल राइट 1111, फॉर 0 0000, फॉर एफ 1111। ओके, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3F0F। नाउ 0008 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0000, फॉर 0 0000, फॉर अगेन 0 0000, फॉर 8 1000। ओके, अब इसका मैंने आपको एक पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताया था कि अगर दोनों भी सिंबल 1 1 है तो उसका आउटपुट आएगा 1, बाकी सभी कॉम्बिनेशंस का आउटपुट आएगा 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करो कि 1 1 सेम सिंबल कहाँ पे है। पहला हमको मिला है यहाँ पर, अगेन कहीं है क्या? नहीं, नीचे वाले में 1 ही नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मिला है 1 1, तो यहाँ पे एक 1 1 लिख दो, बाकी सारे 0000 कर दो। ओके, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एंड 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 इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ कंक्लूड द रिजल्ट। फॉर व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस? 0। फॉर दिस 0, फॉर दिस 0, फॉर दिस रिप्रेजेंट्स 8। नाउ दिस इज द रिजल्ट 0008। नाउ दिस इज द रिजल्ट एंड दिस विल बी स्टोर्ड इन दिस AX रजिस्टर लोन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंड इंस्ट्रक्शन एंड इट्स एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज और। ये क्या करता है? लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करता है कोई भी दो ऑपरेंड जो हम इंस्ट्रक्शन में देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, तो ये डेस्टिनेशन और सोर्स पर लॉजिकल और ऑपरेशन अप्लाई करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा ये दोनों एग्जीक्यूशन के बाद ये इंस्ट्रक्शन के, तो ये इस डेस्टिनेशन ऑपरेंड में स्टोर हो जाएगा। हेंस वी कॉल्ड इट एज डेस्टिनेशन। दिस इज द लॉजिकल डायग्राम। दिस इज और गेट। फॉर एग्जाम्पल टू इनपुट्स इज ए एंड बी। नाउ if we consider f is output, then this is the this will contain the output of these two input after execution and this is the truth table। इसको learn करने का simple trick है, बिल्कुल end operation के opposite। अगर यहाँ पर two combination रहा 0 और 0, दोनों ही same रहे symbol, तो हम इसको लिखेंगे इसका output 0, बाकी सारे के सारे combination जो भी combination आ जाए उसका output रहेगा 1। As you see here, 1111. Okay, now we will take one example. Now this is one example of OR instruction.
डेस्टिनेशन ऑपरेंड में हमने दिए जनरल पर्पज रजिस्टर, और सोर्स ऑपरेंड में हमने दिए हैं एक इमीजिएट डेटा। फॉर एग्जांपल अगर एक्स का कंटेंट है 3F0F, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? फॉर 3 0 0 1 1, फॉर एफ 1 1 1 1, फॉर 0 0 0 0 0, फॉर एफ अगेन 1 1 1 1। अब यहाँ पे इमीडिएट डेटा है, तो इसको भी हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है जब दोनों के बीच में, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फॉर फर्स्ट फॉर 0 0 0 0 0, सेकेंड 0 0 0 0 0, देन 9 1 0 0 1, देन फॉर 8 1 0 0 0। अब इसके बीच में हमको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में ट्रिक बताया, सॉरी पिछले पेज पर जो ट्रिक बताया है कि जहाँ पर भी दोनों भी सेम सिंबल दिख रहे हैं, मतलब ज़ीरो, वहाँ पे सीधे ज़ीरो लिख दो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बाकी सब में हर कॉम्बिनेशन के लिए वन 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 वन। नाउ कंक्लूड द रिजल्ट। दिस रिप्रेजेंट्स 3, दिस रिप्रेजेंट्स एफ, दिस रिप्रेजेंट्स 9, अगेन दिस रिप्रेजेंट्स एफ। नाउ दिस इज द रिजल्ट एंड दिस विल बी स्टोर्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन इन दिस AX रजिस्टर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट और इंस्ट्रक्शन। नाउ दिस इज द थर्ड इंस्ट्रक्शन नॉट। अब ये है इसका सिंटेक्स। फर्स्ट वी विल राइट साइन ऑफ नॉट एंड देन डेस्टिनेशन ऑपरेंड। हेयर वी कैन गिव एनी ऑफ दी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। अब यह इस फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे रजिस्टर लेते हैं, अब यहाँ पे जो भी रजिस्टर का कंटेंट होगा तो ये क्या करेगा, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा या फिर या इन्वर्ट कर देगा। ओके, इसका जो भी कंटेंट होगा उसको इन्वर्ट कर देगा। दिस इज दी लॉजिकल डायग्राम ऑफ लॉजिकल सिंबल ऑफ नॉट इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज दी ट्रूथ टेबल। ज़ीरो है अगर तो वन कर देगा, वन है तो ज़ीरो कर देगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट कर देगा। नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस इज वन एग्जाम्पल फॉर नॉट इंस्ट्रक्शन। दिस इज द इंस्ट्रक्शन वी हैव गिवन हियर एज AX रजिस्टर। नाउ इफ यू कंसिडर द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर इज 2000FH। अब इसको हमको बाइनरी में राइट करना पड़े लिखना पड़ेगा। फॉर 2 दिस इज द बाइनरी, फॉर 0 0 0 0 0, फॉर 0 अगेन 0 0 0 0, नाउ फॉर H इट विल बी 1 1 1 1। अब ये क्या करता है, सिंपली इन्वर्ट करता है जो भी इसका कंटेंट होगा। अब इसका कंटेंट हमने कंसीडर करे है 2000F, तो इसका जो भी कंटेंट होगा वो नॉट इंस्ट्रक्शन इन्वर्ट कर देता है। अब इसको कैसे इन्वर्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है तो 1, 0 है 1, 1 है 0, 0 है 1, लाइक दिस 1 1 1 1 1 1 1 1, 0 0 0 0। अब इसको कंक्लूड करो। दिस रिप्रेजेंट्स डी, दिस रिप्रेजेंट्स एफ, अगेन एफ एंड 0। नाउ दिस इज द रिजल्ट। नाउ दिस रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन दिस डेस्टिनेशन ऑपरेंड इटसेल्फ। ओके, नाउ दिस इज ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉट इंस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID soban.33। यू कैन आस्क मी देयर डायरेक्ट, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। ओके, कमेंट सेक्शन में आंसर देना पॉसिबल नहीं है, सो फॉलो हियर एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड आई विल आंसर यू डेफिनेटली। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XOR। ये क्या करता है, लॉजिकल XOR ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो भी अपन उसमें इंस्ट्रक्शन में
दो ऑपरेंड्स देके वो दोनों ऑपरेंड्स पे लॉजिकल एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये है इसका सिंटेक्स, फर्स्ट इज सिंबल ऑफ एक्सऑर, देन वी विल गिव टू ऑपरेंड्स, फर्स्ट इज डेस्टिनेशन ऑपरेंड एंड सेकेंड इज सोर्स ऑपरेंड। डेस्टिनेशन ऑपरेंड में अपन कोई भी रजिस्टर दे सकते हैं या फिर मेमोरी लोकेशन दे सकते हैं, मगर यहाँ पर हम इमीजिएट डेटा नहीं दे सकते। सोर्स ऑपरेंड में अपन रजिस्टर दे सकते हैं, मेमोरी लोकेशन दे सकते हैं, इमीजिएट डेटा भी दे सकते हैं। एक्सऑर का ये है लॉजिकल डायग्राम, ये एक्सऑर गेट है, यहाँ पे दो इनपुट दिए हैं हमने, ए और बी, और जो भी आउटपुट आएगा वो एफ में स्टोर होगा। एक्सऑर का ट्रूथ टेबल, अब यहाँ पर एक ट्रिक है इसको लर्न करने की, अगर सेम सिंबल आते हैं, 0 0 आता है या फिर 1 1 आता है, मीन्स ये दोनों सेम सिंबल आ रहे हैं अगर, तो इसका आउटपुट आएगा 0, जैसे यहाँ पे। और अगर डिफरेंट सिंबल आते हैं, 1 0 आता है या फिर 0 1 आता है, या फिर अगर कोई भी आप जनरेट कर सकते हो, वैसे तो पॉसिबल नहीं है मगर शक्ति से, तो अगर कोई डिफरेंट सिंबल आता है तो उसका आउटपुट होता है 1। ओके, नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सॉर। डेस्टिनेशन ऑपरेंड में हमने लिया है एक रजिस्टर, ये जनरल पर्पज एक रजिस्टर है, और यहाँ पर हमने एक लिए है सोर्स ऑपरेंड में इमीजिएट डेटा। अगर हम कंसिडर करते हैं कि AX में डेटा है 3F0FH, तो अब इसको हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 को लिखेंगे हम 0011, F को लिखेंगे हम 1111, 0 को लिखेंगे 0000 एंड F को लिखेंगे हम अगेन 1111। वैसे ही हमको सोर्स ऑपरेंड को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सो फॉर 0 0000, फॉर 0 अगेन 0000, फॉर 9 1001, फॉर 8 1000। हाउ वी विल वी जनरेट द आउटपुट? वी विल जनरेट आउटपुट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल को लर्न करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर सेम सिंबल आते हैं तो हमको उसका आउटपुट लिखना है 0, और अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन आता है सिंबल्स का तो उसका आउटपुट लिखना है हमको 1। जैसे यहाँ पर 0 0 सेम सिंबल राइट 0, सेम सिंबल राइट 0, 1 0 डिफरेंट सिंबल 1, 1 0 डिफरेंट सिंबल 1, हियर ऑल द सिंबल्स आर डिफरेंट 1 1 1 1, हियर डिफरेंट 1, सेम 0, सेम 0, डिफरेंट 1, सेम 0, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1 1 1। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? 0 0 1 1 3, 1 1 1 1 स्टैंड फॉर एफ, 1 0 0 1 9, 0 1 1 1 7। नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। नाउ दिस इज, अब जब ये एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन, तो ये दोनों के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी रिजल्ट होगा डेस्टिनेशन ऑपरेंड में स्टोर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे रिजल्ट इस केस में है 3F97, तो ये जो रिजल्ट है ये स्टोर हो जाएगा AX में। दिस इज ऑल अबाउट एक्सऑर इंस्ट्रक्शन। नाउ द फिफ्थ इंस्ट्रक्शन इज टेस्ट इंस्ट्रक्शन। ये यूज होता है बिट्स की स्टेट एग्जामिन करने के लिए। जब टेस्ट इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो इंटरनली प्रोसेसर क्या करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है दो ऑपरेंड्स पर जो हमने दिए हैं उसके इंस्ट्रक्शन में। टेस्ट ऑपरेंड टेस्ट की सिंटेक्स असल में है टेस्ट डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स ऑपरेंड, तो जो दोनों भी ऑपरेंड हमने दिए हैं उसको उस पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और सारे के सारे फ्लैग और जो भी फ्लैग्स अफेक्ट होंगे उसकी वैल्यू वो अपडेट करता है बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट। ओके, आफ्टर टेस्ट एग्जीक्यूशन 0 फ्लैग विल बी एग्जामिन्ड। 0 फ्लैग को हम चेक करते हैं, अगर बिट 1 रही तो 0 फ्लैग को हम रिसेट करते हैं 0 पर, और अगर बिट 0 रही जो हम एग्जामिन कर रहे हैं तो हम 0 फ्लैग को सेट करते हैं 1 पर। नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इंस्ट्रक्शन। नाउ दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। अब इसका सिंटेक्स क्या है? फर्स्ट टेस्ट सिंबल,
देन टू ऑपरेंड्स, वन इज डेस्टिनेशन एंड सेकेंड इज सोर्स ऑपरेंड. अब डेस्टिनेशन ऑपरेंड में हमने दिए है एक्स और 0800, दिस इज द इमीजिएट, 0800, दिस इज द इमीजिएट ऑपरेंड. देन वॉट हैपन्ड, दिस इंस्ट्रक्शन विल गिव जीरो रिजल्ट इफ 11th बिट ऑफ ए एक्स विल बी जीरो एंड हेंस जीरो फ्लैग इज सेट टू वन. ओके, इफ जीरो फ्लैग इज इक्वल्स टू वन, 11th बिट ऑफ ए एक्स इज जीरो, एल्स 11th बिट ऑफ ए एक्स इज वन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट इंस्ट्रक्शन. Make sure you subscribe my channel and follow me on Instagram, and if you have any query and confusion, then you can directly message me there, because it is not possible to answer your questions on comment section. Okay.